विजुलाइज करके मनचाही चीजों को हासिल करें। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को विजुलाइज करके अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप जिस जिंदगी से ऊब चुके हैं उसी जिंदगी से आप बेहद प्यार कर सकते हैं। क्या आपको बुरे सपने आते हैं या फिर आप बिना किसी बीमारी के भी बीमार जैसा फील करते हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बदलना चाहते हैं, या फिर आप जो भी मांगते हैं वो पाना चाहते हैं, तो आज की बुक समरी को गौर से सुने। इसमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये मेथड्स कम गेम ज्यादा हैं जिन्हें खेलते हुए आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, उसे खेल खेल में अपने मनमाफिक ढाल सकते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, इसे हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, अपनी सोच से बनाते हैं। हम जो कुछ भी फील करते हैं वही फीलिंग्स हमें लीड करती हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो अगर हम बुरा फील करेंगे तो बुरी फीलिंग्स हमें लीड करेगी और हमारी जिंदगी में बुरी चीजें होंगी। अच्छा फील करेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उस समय हमें हमारी अच्छी फीलिंग्स गाइड कर रही होंगी। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन, लेकर आया हूं आस्क एंड इट्स गिवन की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं एस्थर और जेरी हिक्स। ऑथर्स ने पहले इन जादुई अनुभवों को खुद फील किया, फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू किया। उनकी इन जानकारियों से लाखों लोगों को फायदा हुआ। अभी भी लोग इस किताब के जरिए खुद की पसंदीदा चीजें हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ऑथर्स ने अपने इन चमत्कारी अनुभवों को लोगों के सामने इतने सिंपल तरीके से पेश किया कि शुरू में तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से भी जिंदगी को बदला जा सकता है। लेकिन जब लोगों ने इस किताब के बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया तो मिलने वाले रिजल्ट्स से दंग रह गए। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। ये यूनिवर्स का वो शानदार लॉ है जिसकी हेल्प से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप अपनी मौजूदा इच्छाओं और विचारों में बदलाव लाएंगे। फिर आप इस लॉ के जरिए जो चीज मांगेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। बस आपको वो करना है जो आगे इस बुक में बताया गया है। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आप अपनी जिंदगी के जिस भी एस्पेक्ट में बदलाव लाना चाहते हैं बदल सकते हैं, क्योंकि ये किताब आपको चीजों को देखने का एक नया नजरिया देगी। जब आप चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं तो आपको चीजें बदली हुई दिखाई देती हैं। जिस जिंदगी से आप घुटन महसूस कर रहे होते हैं वही बाद में आपको खूबसूरत लगने लगेगी। फिर आपके मुंह से यही निकलेगा, काश लाइफ हो तो ऐसी। इस बुक समरी में आगे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। अपनी करंट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले अपनी मौजूदा फीलिंग्स के बारे में जानना होगा, तभी उसमें बदलाव लाकर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जादू को महसूस कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कभी कभी यूनिवर्स से हम जो चीज मांगते हैं वो ना मिलकर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे हम कभी नहीं पाना चाहते। अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है क्योंकि आप जरा सी लापरवाही में नेगेटिव चीजों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम खुद की जिंदगी में खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन टेंशन ना लें, आगे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें अपनी पसंदीदा चीजों को मांगने के लिए अपने किस मेंटल स्टेट में होना चाहिए, यानी कैसा फील करना चाहिए। हम आगे मैजिकल क्रिएशन बॉक्स के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से आप वे सारी चीजें खुद हासिल कर सकते हैं जो आप उस बॉक्स में विजुलाइज करके डालेंगे। हम अपने सपनों की वैल्यूएशन करना सीखेंगे, बुरे सपनों से बचना सीख जाएंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हमेशा तरोताजा और हेल्थी फील किया जाए। ऐसी बहुत सारी बातों को हम आगे के चैप्टर्स में जानने वाले हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें आस्क एंड इट्स गिवन की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अपने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में जाने। आपको इस बुक में स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जो बनना चाहते हैं वो कैसे बने, कैसे करें या हासिल करें, आपको सब चीजों का अच्छे से पता होता है। बस आपको उसे जानने के लिए खुद के अंदर की पावर से कॉन्टेक्ट बनाना होता है। साथ ही इस बुक में आपको ये भी बताया गया है कि ये कैसे जानेंगे कि आपको किन चीजों को नहीं करना है। वे चीजें आपकी जिंदगी में ना आए जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम ऐसी चीजों में ही बेकार जाता है। इस बुक में नॉन फिजिकल एंटाइटी अब्राहम की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है।
यानी एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। ऑथर्स ने उस चेतना से जो कुछ सीखा है उसी को इस बुक में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे में हमें अब्राहम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोग जेरी और एस्थर को भी अब्राहम कहकर पुकारने लगते हैं। अब्राहम की वजह से ही दोनों की नॉर्मल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज हो गई थी। आगे की लाइफ में क्या करना है उन्हें गाइडेंस मिलने लगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि जेरी और एस्थर ने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप किया। दोनों अपने कई सवालों को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एस्थर की पास्ट लाइफ तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जेरी के दिमाग में बचपन से ही बहुत सारे सवाल घुसे पड़े थे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर अजीब फील करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जिसका अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से अच्छा रिलेशन था। वो लोगों के सभी सवालों के जवाब और समस्याओं के सोल्यूशन बताया करती थी। उसके पास जेरी और एस्थर के भी सभी सवालों के जवाब थे। एस्थर बताती हैं कि वो उतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन हाँ, वो संडे क्लासेस में जाती थी। वहां पर शैतानों के बारे में इतना बताया गया था कि उनके दिमाग में शैतानों के प्रति डर भर गया था। उन्होंने सुन रखा था कि शैतान ये कर देते हैं, शैतान वो कर देते हैं, शैतान से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही कई चीजें बताई गई थीं। इस वजह से वो बहुत चीजों से डरने लगी थीं। इस डर को और अपने कुछ सवालों को एस्थर भी जानना चाहती थीं। उनके और जेरी के सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। फिर वे उस लेडी को एक लास्ट सवाल करते हैं कि वे अपने गोल्स को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे हासिल करें। उन्हें जवाब मिलता है कि मेडिटेशन और प्रेयर से। एस्थर को मेडिटेशन का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मेडिटेशन का नाम सुनते ही उनके दिमाग में उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जो भीख मांगने के लिए कांटों पर लेटे रहते हैं, अंगारों पर चलते हैं, कई सालों तक एक ही पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट्स और ऐसी कई पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगते देखा था। तब वो उस लेडी को मेडिटेशन के बारे में और क्लियर करने के लिए कहती हैं। उसने कहा कि मेडिटेशन करने के लिए आपको एक क्वाइट रूम में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बैठना है और अपनी सांसों पर फोकस करना है। जब आपका दिमाग इधर उधर भटके तो आप अपने थॉट्स को फ्री छोड़ दें, अपनी सांसों पर फोकस करें। शुरुआत में मेडिटेशन करने पर सभी का मन भटकता है, कुछ लोग तो कुछ दिन बाद ही इसे करना छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इस सिंपल टेक्निक को अपनाएं और आगे भी सुने। फिर एस्थर एक और क्वेश्चन करती हैं कि कोई ऐसी प्रेयर बता सकती हैं जिसको मेडिटेशन में किया जा सके। तब वो उन्हें बताती हैं कि आप अपना नाम ले सकती हैं। मेडिटेशन का कमाल यही है कि आपको सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है। आगे क्या करना है आपको खुद ब खुद पता चलता चला जाएगा। उस लेडी के साथ उनका ये सेशन बहुत अच्छा रहा। जब सेशन खत्म हुआ तो उस लेडी की असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि आप लोग कोई आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। वे अपने सारे सवाल पूछ चुके थे, इसलिए उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट उनसे कहती है कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहेंगे। उन्होंने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में पहली बार सुना था तो वे थोड़े क्यूरियस हो गए। उन्होंने जब उस लेडी से ये सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि ये आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, आपको सुपर सेंसरी हियरिंग एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। यानी जब वो मेडिटेशन करने लगेंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा, उनके अंदर से उसका नाम खुद ब खुद आएगा। वो और उनके हस्बैंड घर पहुंचते हैं, शाम में मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। वो 15 मिनट का टाइमर लगाते हैं और अपनी सांसों पर फोकस करने लगते हैं। हालांकि 15 मिनट में उनके पैर के पंजे सुन्न हो गए, उन्हें अजीब फील हो रहा था, लेकिन 15 मिनट का टाइमर बजने पर उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने 15 मिनट का टाइमर सेट किया। ऐसा करते करते उन्होंने 15-15 मिनट के 3 सेशंस किए। थर्ड टाइम होने वाला एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। ऐसा करते करते 9 महीने गुजर गए। 9 महीनों में उन्होंने एक भी दिन मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक उनकी नाक से अजीब सी आवाज निकल रही थी। नाक के साउंड पर ध्यान दिया तो उससे कुछ लेटर्स क्लियरली सुनाई दे रहे थे। वे लेटर्स थे MNOP। उनकी बॉडी से नॉन मटेरियल वेव्स उठने लगी थीं। उनके सर में कुछ होने लगा था, पैर कांपने लगे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उन्होंने उन वर्ड्स को लिखना शुरू किया तो पाया कि मैं अब्राहम हूं और मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड हूं। फिर जब उनका अब्राहम से कॉन्टैक्ट हुआ तब उन्हें पता चला कि अब्राहम कोई सिंगल कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी चेतना है। ये कॉन्शियसनेस की एक इमटेरियल स्ट्रीम है, कई इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस यानी कई चेतना का मिला जुला रूप है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो आपके अंदर से आपकी आवाज के थ्रू निकलती है।
ठीक उस लेडी की तरह जिसने एस्थर और जेरी के सवालों के जवाब दिए थे। ये चेतना हम सब के अंदर होती है, किसी में अब्राहम के रूप में तो किसी के अंदर किसी दूसरे रूप में, लेकिन इसका एक ही काम है, आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर और जानते हैं कि कैसे जब हम अपनी उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें जरूरत पड़ने पर हेल्प मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें। आपके अंदर की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपके सारे सवालों के जवाब देती है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उस वक्त आपको सही रास्ता दिखाती है। बस आपको उसे रेडियो सिग्नल की तरह यूज करना है, यानी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। जैसे आप किसी गाने को सुनने के लिए रेडियो की उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप अपने सारे सवालों के जवाब खोज निकालेंगे। एक दिन अब्राहम ने उन्हें बताया कि वो उनके स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो उनके साथ मिलकर काम करने आए हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वे साथ में मिलकर एक किताब लिखेंगे। उसके लिए उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस बुक के लिए सारा मटेरियल उनके अंदर से मिल जाएगा। बस उन्हें लिखते जाना है, वे जो भी सवाल करेंगे उनके जवाब मिलते जाएंगे। वो बुक यही बुक है जिसकी बुक समरी आप इस वक्त सुन रहे हैं। इसमें उन सारे सवालों के जवाब हैं जो एक इंसान के दिमाग में खुद को और उसके प्रोफेशन को लेकर आते हैं। जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपको भी कोई स्पिरिचुअल गाइड मिलेगा, ठीक अब्राहम की तरह। फिर वो आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस की तरह काम करने लगेंगे। लाइफ में किसी प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप उसके बारे में हिंट पा जाएंगे। ऐसा ही एक बार ऑथर्स के साथ होता है। एक दोपहर वो फिनिक्स फ्रीवे में कार से जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक झपकी सी आती है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट था। ऐसा लगा कि उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस जागी हो। ऐसा देखते हैं कि उनकी कार दो बड़े ट्रकों के बीच में है। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। तभी अब्राहम उनके मुंह से बोलते हैं कि अगली एग्जिट से बाहर निकल जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। वे ओवरपास के नीचे पार्किंग लॉट में रुक गए। जेरी और अब्राहम बात कर रहे थे। एस्थर की आंखें क्लोज थीं। जब जेरी अब्राहम के सवालों के जवाब दे रहे थे तो वे सारी बातें सुन रही थीं। ऑथर्स का मानना है कि अब्राहम के आने से उनकी जिंदगी काफी एक्साइटिंग और चेंज हो गई थी। वो एक टीचर की तरह उन्हें सब कुछ समझाते थे। वो उन लोगों को हर चीज में गाइड करने लगे थे। वे जहां भी रहते थे उनकी केयर करते थे। वो जहां जाना चाहते थे उनका गाइडेंस करते थे। वे जो हासिल करना चाहते थे उसके लिए उनकी हेल्प करते थे। इवन किसी भी डिसीजन को लेने में उनकी हेल्प भी करते थे। यहां तक कि वो उनकी इच्छाओं को भी जान लेते थे और उनको पूरा करने में उनकी हेल्प करते थे। एस्थर बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का काम आपको किसी चीज की तरफ ले जाना या उससे दूर ले जाना नहीं है। आपको क्या चाहिए इसका डिसीजन भी आपको खुद लेना होगा, यानी अपनी इच्छा से लेना होगा। उसका काम आपकी इस इच्छा को पूरा करने के रास्ते को खोजना है और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको मोटिवेट करना है। ऑथर का मानना है उन्होंने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जो सीखा है वो ये है कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। आपका मेंटल वर्ल्ड नॉन मटेरियल की मेंटल इमेजिनेशन से निकला है। मटेरियल वर्ल्ड में हम बात करते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल वर्ल्ड में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। उनके पास ना तो बोलने के लिए जुबान है ना सुनने के लिए कान, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को सुन और समझ लेती हैं। जब वो किसी के अंदर अवेकन होती हैं, तो वो उसी की लैंग्वेज में बात करती हैं। आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का काम आपको फिजिकल एक्सटेंशन देना है और सभी चीजों को कंट्रोल करने वाले यूनिवर्स के लॉस की याद दिलाना होता है। ऑथर्स का मानना है कि सभी इंसान उसके साथ क्लियरली बात कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते। इसी वजह से वे अपने सवालों और अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए होते हैं। वे अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते। जब आपकी कॉन्शियसनेस जाग जाती है तब आप अपने नॉलेज की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ठीक रेडियो सिग्नल की तरह। वो उन फ्रीक्वेंसीज से जो जानकारी हासिल करती हैं उसी को आपको शब्दों में ट्रांसलेट कर देती हैं। उन्होंने उस नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम जहां पर जिस मोमेंट में हैं उसमें खुश रहना चाहिए। हालांकि ये जितना सुनने में आसान लगता है करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर अपने पास्ट की चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन ये पक्का है जब आप अपने प्रेजेंट में जीने लगेंगे तो आप उस पावर को समझ जाएंगे। उसकी हेल्प से ही आप हैप्पी और हेल्थी लाइफ पा सकते हैं।
ऑथर का कहना है कि आपका ट्रू नॉलेज आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही मिलता है। इसलिए जब भी आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसे या मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो घबराएं नहीं, आप उसे सीख लें। आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, आप अपनी लाइफ से हैप्पी और सेटिस्फाइड होने लगेंगे। इसलिए ऑथर आपको यही सलाह देते हैं कि आप जैसे भी हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करें। आपके पास एक कंप्लीट लाइफ होती है, आप कभी भी इसमें इनकम्प्लीट महसूस ना करें। जब आप अपनी प्रेजेंट में जीते हैं, आप खुद को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। आप फालतू की चीजों और फालतू की बातों में उलझते नहीं, आपको जो करना होता है उसी पर फोकस करते हैं और उसे हासिल करते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं और क्यों आपकी सभी पावर प्रेजेंट टाइम में ही रहने पर काम करती हैं। लाइफ एक्सपीरियंस से सबक लें। अपनी मनचाही चीज या गोल को पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद के बारे में जानना होता है। आप हकीकत में क्या हैं और क्या बन गए हैं, आप किस ओर जा रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या बनना है। इसके साथ ही आपको अपने पास्ट और फ्यूचर के रिलेशन को समझना होगा। इससे आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। बस आप गौर से इस ऑडियो बुक समरी को सुनते रहें, आप अपने अंदर की पोटेंशियल पावर से रूबरू होते जाएंगे। आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सबक लेना चाहिए, आप ही उनके क्रिएटर होते हैं। आपकी लाइफ में होने वाला हर एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, वही आपको बताता है कि असल में आपको क्या चाहिए। आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या आप अपनी इच्छाओं के डेवलप होने को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर नई इच्छाएं पैदा हो रही हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत कम इंसान आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वो अपनी इच्छाओं के डेवलपमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर इंसान ऐसे मिलेंगे जो अपनी इच्छाओं के पूरे न होने से दुखी हैं। कोई अपनी जॉब से जब खुश नहीं है, कोई अपने बिजनेस और रिश्तों से खुश नहीं है, कुछ लोग तो अपनी बॉडी की बनावट से ही खुश नहीं है। ऑथर का कहना है कि आप अपनी इन प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल सकते हैं, उन सभी चीजों को पाने का रास्ता खोज सकते हैं जो असल में आप पाना चाहते हैं। जब आप अपने अंदर की पावर को फील करेंगे, उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कॉन्टैक्ट बनाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। आपके अंदर ही सब चीजें दबी पड़ी होती हैं, वही आपका ट्रू नेचर है। जब आप अपने ट्रू नेचर को जान जाते हैं तो आप फिर से ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और खुशी से भर जाते हैं। हर इंसान के अंदर एक कॉमन डिजायर यानी इच्छा होती है, लाइफ को एंजॉय करना। वो अपने मन माफिक आजाद होकर अपनी लाइफ जीना चाहता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप जैसे हैं खुद को वैसे एक्सेप्ट कर लें। आपने जो बॉडी पाई है वो शानदार है। आप खुद से कहें कि आपके पास खुशियां ही खुशियां हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आप खुशी और सारी पावर को हासिल करने लगेंगे, जो आपको आपकी मन माफिक जिंदगी की तरफ ले जाएगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आपके अंदर वो पावर छुपी हुई है जिनकी हेल्प से आप अपनी पसंद की हर चीज हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी उस सिचुएशन से प्यार करना शुरू करना होगा जिसमें आप अभी इस वक्त हैं। आप अभी किस हालात में हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने पर फर्क पड़ता है। आपके पास क्या नहीं है उसके बारे में टेंशन ना लें। आपके पास अभी क्या है उसे एंजॉय करें, उसका इस्तेमाल करें, खुद से और दूसरों से प्यार करना शुरू कर दें। आपके पास जो कुछ भी है उसको कम करके आंकना छोड़ दें, क्योंकि आपके दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। इसी वजह से लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर की पावर को फील नहीं कर पा रहे हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आप नेचर के नॉलेज के साथ पैदा होते हैं। उस नॉलेज से ही आप खुद को क्रिएट करते हैं। आपके अंदर उस नॉलेज की फाउंडेशन इतनी गहरी होती है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको मदद मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे वैसे आप उस नॉलेज और पावर से अनजान होते चले जाते हैं, जबकि आप इस बात को जानते भी हैं कि आपको खुद की जिंदगी कैसे जीनी है। ये आप पर डिपेंड करता है। आप बड़े होते हैं, आप अपनी इच्छाओं की बागडोर दूसरों को थमा देते हैं, उनके हिसाब से चलने लगते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस चक्कर में आप उलझ कर रह जाते हैं। आप अपने अंदर की उस पावर को भूल जाते हैं कि आप अपना गाइडेंस खुद कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन जब आप सोसाइटी के हिसाब से चलने लगते हैं तो आप बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं कि
अगर ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, किसी काम को करते वक्त अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप बहुत सी चीजें नहीं कर पाते। कभी कभी दूसरों के कहने पर वे चीजें करने लगते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। अगर आप भी इस तरह उलझ चुके हैं तो घबराएं नहीं, अभी आपके पास वक्त है। आप अभी भी उस सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे आपको अपनी मनपसंद जिंदगी जीने की एनर्जी और गाइडेंस मिलती है। आगे इस बुक समरी में हम उन सभी बातों को जानेंगे जो आपको फिर से ऑर्गेनाइज होने में आपकी हेल्प करेंगी। एक बार फिर से जब आपका तालमेल उन इटर्नल पावर्स से और यूनिवर्सल लॉस के साथ हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने लगेंगे। आप इस बात को जान लें, आप एक इटर्नल पर्सन हैं। आपका शरीर को चुनने का कोई अद्भुत कारण है। जी हाँ, हम सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने आए हैं। आप एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट हैं जो आपको आपके सही मकसद के बारे में बताती रहती है। लेकिन दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इस मटेरियल वर्ल्ड के शोरगुल में उस अंदर की आवाज को सुन नहीं पाते। आप जान लें, वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपके थ्रू ही फॉलो होती है। जब आप अपने उस सोर्स के साथ कंप्लीट रिलेशंस को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो आप अल्टीमेट जॉय का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। आप अपने अंदर की एनर्जी को फील करने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में उससे जुड़े पॉजिटिव थॉट आने लगते हैं। आप अपने अंदर एक ईश्वर को फील करने लगते हैं। हर जीव की भलाई इस यूनिवर्स का बेस है। ये यूनिवर्स हर प्राणी की भलाई के लिए उसकी हेल्प करती है। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी ही आप अपनी भलाई के लिए काम शुरू कर देंगे। जिस तरह से आप अपने सांस पर विश्वास करते हैं, आप जानते हैं उसे लेने और छोड़ने पर ही आप जिंदा रहेंगे। उसी तरह से आप इस यूनिवर्स की पावर पर भी विश्वास करें। ये आपकी भलाई के लिए ही है। आपका आगे बढ़ना जरूरी है। जब तक आप मूव नहीं करेंगे, किसी पावर को फील नहीं करेंगे। आप इस धरती पर बेहिसाब खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। यही आपके यहाँ होने का कारण है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, बुक से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातों को जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का सबसे इफेक्टिव लॉ। ऑथर्स का मानना है कि एक करंट हर चीज में फ्लो होता है और ये यूनिवर्स में मौजूद है। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की फाउंडेशन है। आपके इस फिजिकल वर्ल्ड का फाउंडेशन भी यही है। इस करंट के थ्रू ही सब चलता है। ये एक एनर्जी की तरह काम करता है। कुछ लोग इस एनर्जी से वाकिफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर इंसान इससे अफेक्टेड है। जब आप इस एनर्जी को समझ जाएंगे तो आप इस दुनिया की फाउंडेशन को भी समझ जाएंगे। जब आप अपनी अवेयरनेस के सोर्स को फील करने लगेंगे तो आप हर चीज को फील करने लगेंगे, उसका एक्सपीरियंस करने लगेंगे, जिंदगी में आने वाली सभी चीजों को समझने लगेंगे। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को समझने के बाद आप उसका यूज करके सही रिजल्ट हासिल कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपके पास इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने का भी फॉर्मूला होता है जो हमेशा से इस यूनिवर्स में मौजूद था और है। ऑथर्स का मानना है कि हम एक वाइब्रेटिंग एनवायरमेंट में वाइब्रेटिंग क्रीचर हैं। हम एक वाइब्रेशन के साथ उस नॉन फिजिकल पावर से जुड़े होते हैं, इसलिए हम जितना खुद में अच्छा महसूस करेंगे उतना ही हमारा उस सोर्स से रिलेशन मजबूत होता जाएगा। इसी के ऑपोजिट, आप जितना बुरा महसूस करेंगे उतना ही आप उस सोर्स को कम फील कर पाएंगे। आप यहाँ एक जिंदगी को जीने आए हैं, उसमें आप खुश नहीं हैं, आप बुरा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस सोर्स से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए खुद को रोक रहे हैं। आप अपने इमोशंस के सिग्नल्स पर गौर करके सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। जिस लाइफ को आप अभी जी रहे हैं या जी चुके हैं उसके मतलब को समझ जाएंगे। जब आप उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसे प्योरिटी और सहजता से एक्सपीरियंस करने लगते हैं। फिर आप अपनी आगे की लाइफ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ को जीने का मकसद मिल जाएगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ एक मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। हम अपने उस मकसद को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम उस सोर्स से जुड़ेंगे। लेकिन इस दुनिया में आते ही हम उलझ जाते हैं, अपने उस मकसद को भूल जाते हैं। जब आप अपने मकसद को भूल जाते हैं तो वहीं से आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। लेकिन जब आप उस सोर्स से कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देकर इस धरती पर अपने आने के मकसद को जान सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से पूरा कर सकते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं।
इसके बाद आपके दिमाग में अपने इस फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचता, क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं या मिलने लगते हैं। आगे ऑथर का कहना है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को यूनिवर्स के सबसे इफेक्टिव लॉ के रूप में पाया है। अगर देखा जाए तो ये पूरी बुक ही इस लॉ के इर्द गिर्द लिखी गई है, यानी आप जिस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी तरफ खिंची चली आती है। हमारे हर थॉट कंप्लीट होते हैं, हर थॉट सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वही थॉट अपनी तरह के सेम सिग्नल्स को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी आप जिस सोच से किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वैसी ही सोच आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर दो चीजें या दो लोग एक जैसे होंगे उनमें आपस में जुड़ने की संभावना ज्यादा होती है, यानी वे दोनों एक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसलिए आपको जो पाना होता है आपको उस फ्रीक्वेंसी में जाना होता है, ठीक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह, तभी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही जान लिया कि आप 92.2 के प्रोग्राम को 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर नहीं सुन सकते, ठीक उसी तरह आप जिस चीज पर ध्यान देंगे आप में वैसी ही वाइब्रेशन उठेंगी। आप जैसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे वैसी ही मांग करेंगे, वही आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अभी आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं जो चीज आपके पास नहीं है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना होगा। ये बहुत ही आसान है, आपको उस चीज पर फोकस करना होगा, वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप पूरी इच्छा से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस लॉ को सही यूज करना आना चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास अभी नहीं है, तो आप उस पर फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर फोकस करने के बाद फिर इस फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं के वाइब्रेशन को ज्यादा अडॉप्ट करने लगता है। इस वजह से आप अपनी उस मनचाही चीज को नहीं हासिल कर पाते। इसलिए आप किसी चीज पर फोकस करके उसे अपनी तरफ आता देखें, उसे महसूस करें, तभी वो चीज आपकी तरफ आएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कब कौन सी चीज मांगे जो हमें मिल जाए। फेथ और डिजायर के वाइब्रेशन को मैच करें। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी मनचाही चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज्यादातर लोग अपनी मनचाही चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि वे नेगेटिव थॉट को दिमाग में भर कर रखते हैं। वो किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही बना रखा है कि वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो हासिल नहीं कर पाते। आप जो भी सोचते हैं आप अपनी जिंदगी में आने वाली घटनाओं की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसलिए आप अप्रिशिएट करके अच्छी चीजों और अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज की टेंशन लेते हैं तो आप और टेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप इस बात को जान लें कि हर थॉट, कॉन्सेप्ट, लाइफ सभी कुछ वाइब्रेशनल है, इससे वाइब्रेशन निकलती है। इसलिए आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह के कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और जिस तरह की लाइफ में बिलीव करते हैं, वैसे ही आप हासिल करते हैं। जैसे आप किसी चीज पर अपना फोकस करते हैं, भले ही आप थोड़ी देर के लिए करें, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपकी लाइफ के वाइब्रेशन उन्हीं वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं जिन पर आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं। जैसे आप किसी इंसान को हमेशा दुखी मनहूस चेहरे के साथ देखते हैं, एक्चुअली उसने दुख और मनहूसियत को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया है वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हमेशा वो उसी तरह की वाइब्रेशन को अपनी वाइब्रेशन से मैच कराता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत ही आसान है, इसके बारे में जानना बहुत आसान है। जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, तब आप अपने एक्सपीरियंस पर कंट्रोल करके उनका यूज करने लगते हैं। आप इसे और आसानी से अपनी लाइफ में होने वाली प्रैक्टिकल चीजों से समझें। जैसे आप अपनी लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं, उसे प्यार से देखते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में आपकी ये स्ट्रांग थॉट्स रिफ्लेक्ट होने लगती है। फिर आप अपने लाइफ पार्टनर में वही चीजें पाते हैं जो आप उसमें देखना चाहते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पर शक करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको उधर से भी ऐसा रिएक्शन मिलेगा। आप एक स्ट्रेसफुल माहौल में जिएंगे, गुस्सा करने वाली सिचुएशंस पैदा होंगी। ठीक इसी तरह से जब आप अपने पड़ोसियों से चिढ़ना या जेलसी करना या जेलस करना बंद कर देते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं, तो प्यार की वाइब्रेशन उठने लगेंगी, दोनों तरफ से प्यार का एक्सचेंज होने लगेगा। इसके लिए आपको अपने वाइब्रेशन के नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर गुस्सा, नफरत, जेलसी जैसी एनर्जी भरी हुई है,
तो आप वैसी ही एनर्जी रिलीज करेंगे और वैसी ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए समय निकालकर प्रैक्टिस करें। आप अपनी सभी इच्छाओं को जानें, अपने नेचर को समझें, उस पर काम करें। बस आप ये समझ लें कि आपने अपने अंदर बुरी फीलिंग्स को निकालना है, अच्छी फीलिंग्स को अपने अंदर डालना है, तभी आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप अच्छा बनने का नाटक करके सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, उस डिवाइन पावर को नहीं। उसके लिए आपको हर चीज में रियल फील करना होगा। अभी तक आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो खाता है, पीता है, सोता है और काम पर जाता है, लेकिन आप एक कॉन्शियसनेस एनर्जी हैं, वाइब्रेशनल पावर हैं। आप उस सोर्स से जुड़े होते हैं जो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। आप अपने थॉट्स को लीड करते हैं। आप सबसे स्पेशल हैं। आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये दुनिया बनी हुई है। जो चीजें आपके अंदर हैं वो हमेशा इस इटर्नल वर्ल्ड में रही हैं और हर जगह मौजूद हैं। जब आप एक बार समझ बूझ कर इन यूनिवर्सल लॉज के साथ एक हो जाते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि चीजें किस तरह से रिएक्ट करती हैं। जैसे कि आपने जाना, एक ही तरह के लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से आपको अपनी इच्छाओं और विश्वासों में वाइब्रेशनल बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि कभी कभी तो आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि आप वो चीज पाएंगे। इसलिए आप जिस चीज की इच्छा करें उस पर आप पूरी तरह से विश्वास करें। अगर आपकी इच्छा और विश्वास के वाइब्रेशन में फर्क है तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी इच्छा और विश्वास में तालमेल बना लेते हैं, तब आप उस सोर्स के वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। वो आपसे प्यार करने लगता है। वो आपके वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रिकल रिक्वेस्ट का जवाब देता है। फिर आप जब भी मांगेंगे, जो भी चीज मांगेंगे, आपको मिलेगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप में एक वाइब्रेटिंग ट्रांसमीटर है। इंसान अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करता है उसी से उसकी इच्छाओं का जन्म होता है। इन्हीं से आपकी दुनिया क्रिएट होती है। इनसे ही आप अपनी पसंद मनपसंद चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए जिनके पास इच्छाएं नहीं होती उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। जिस तरह से इस प्लैनेट का इवोल्यूशन हुआ है उसी तरह से आपकी इच्छाओं से आपका इवोल्यूशन होता है। आप आपस में जितनी बातचीत करेंगे, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को जितनी ज्यादा एक दूसरे से शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको जवाब मिलेगा। वैसे ही आप उस सोर्स से जितनी बातचीत करेंगे आपको उतना ही जवाब मिलेगा। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास उस सोर्स की इतनी पावरफुल स्ट्रीम मौजूद है, इससे आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को पूरा कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। आगे ऑथर का कहना है कि बुराई का कोई सोर्स नहीं होता। ये तो उस चीज का विरोध है जिसे आप अच्छा मानते हैं। ठीक किसी तरह से बीमारी का भी कोई सोर्स नहीं होता। जब आप हेल्थ बेनिफिट्स पर विश्वास नहीं करते तो आप ना चाहते हुए भी बीमारियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से अगर आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते तो आपके साथ ठीक इसका उल्टा होगा। आजकल आप ज्यादातर लोगों को परेशान और दुखी देखते होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे जिस तरह से जी रहे हैं उनकी मांगे हाईएस्ट और डीपेस्ट कंडीशन में होती हैं। आजकल इंसान अपने लिए अच्छी चीजें मांगता तो है लेकिन वो अपने दुखों में इतना डूबा रहता है कि उनकी मांगों का कोई फायदा नहीं होता। आप जो भी चाहते हैं वो सारी चीजें इस दुनिया में काफी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको उनके साथ तालमेल बैठाना होगा। अगर आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते। उस सोर्स से जुड़ने के लिए आपको किसी टाइम सिचुएशन में होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय उस सोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एनवायरमेंट या सर्कमस्टेंसेस में कुछ बदलना नहीं होता। अगर आप इस समय बुरी हालत में हैं, आप जेल में हैं, आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस सोर्स से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। बस आपको शुरू करने के लिए आइडियल पोजिशन में आना होगा। उससे जुड़ने के लिए आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जिस दिन आप पूरे दिल से उससे जुड़ने का मन बना लेंगे उसी दिन से आप खुद में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। बस इसके लिए आपको यूनिवर्सल लॉस की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। उन्हें एक्सेप्ट करके मजबूती से उनकी ओर बढ़ना होगा। जैसे आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं, पहले आप दोनों के बीच की दूरी का पता लगाते हैं, किस रास्ते जाना है उसके बारे में पता लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता होता तो आप दूसरों से पूछते हैं, फिर जहां आपको पहुंचना होता है वहां के लिए निकलते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। कभी कभी आप रास्ता भटक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर भी आप वहां किसी तरह पहुंचते ही हैं।
आप पीछे की तरफ नहीं लौटते, क्योंकि आप दिमाग में बैठा चुके होते हैं कि आपको उस जगह पर पहुंचना ही है। ठीक उसी तरह से जब आप उस सोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, उस सोर्स के बारे में बेसिक चीजें पता करके उसकी ओर बढ़ें। रास्ते में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको वहां पहुंचना ही है। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको खुद एनर्जी मिलने लगेगी, जिससे आप सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। फिर ये एंडलेस जर्नी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी, आप इसे एंजॉय करने लगेंगे। आप अपनी बॉडी को जितना फिजिकल मानते हैं उससे कहीं ज्यादा ये वाइब्रेटिंग है। आप एक वाइब्रेटिंग ट्रांसमीटर हैं, हर पल सिग्नल देते रहते हैं। जब आप इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए अवेकनिंग स्टेट में होते हैं तो आप लगातार बहुत ही स्पेसिफिक और आसानी से पहचाने जाने वाले सिग्नल छोड़ते हैं। फिर आपके उन सिग्नल्स को तुरंत समझा जाता है और उसका जवाब दिया जाता है। आप जो सिग्नल छोड़ते हैं उससे आपकी सिचुएशन, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ में आता है। एक्चुअली आपके ट्रू नेचर की जो पर्सनैलिटी है, असल में वो एक इटर्नल पर्सनल यानी इटर्नल पर्सन यानी शाश्वत इंसान है। आप मौजूदा समय में जिस एनर्जी पर फोकस्ड होते हैं, ये वही एनर्जी है जिससे इस यूनिवर्स को क्रिएट किया गया है। आप उसी एनर्जी से अपनी दुनिया को क्रिएट करते हैं। आपके अंदर एक इनबिल्ट इंटेलिजिबल गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें ऐसे सिग्नल हैं जो आपको अपने सिग्नल्स के साथ आपकी सेंट्रल डायरेक्शन की पावर फोर्स को समझने में हेल्प करते हैं। आपके इमोशंस आपकी गाइडेंस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही सिग्नल्स पाते हैं। ये गाइडेंस सिस्टम आपको अपने थॉट्स की एनर्जी स्ट्रीम के साथ तालमेल को समझने में हेल्प करता है। जब आप किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका अपने ट्रू नेचर के साथ तालमेल उतना ही मजबूत होता जाएगा। अगर आप मेडिटेशन के थ्रू अपने एग्जिस्टेंस के सोर्स के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेंगे तो आप अपने थॉट्स के इस तालमेल को अच्छा महसूस करेंगे। ये यूनिवर्स अट्रैक्शन बेस्ड है। आपका छोटा सा थॉट भी डेवलप होकर स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन सकता है। आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही हमेशा आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बनती है, इसलिए बार बार ऑथर्स आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए जोर देते हैं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम इस बुक की कुछ और इंस्पिरेशनल बातों के बारे में जानेंगे। पांचों सेंसेस को अच्छे से जागृत करें। ऑथर का कहना है कि आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप पैदा होते हैं तब से आपको चीजों को लेकर समझने की एक शक्ति होती है, एक वाइब्रेशन होती है। यदि आप बोलने से पहले अपनी फीलिंग्स का यूज करके चीजों को समझने लगते हैं तो आप अपनी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकते हैं। आपके अंदर फीलिंग्स के रूप में ऐसे सेंसर होते हैं जो आगे चलकर आपके आसपास होने वाली चीजों के बारे में बताने लगते हैं, फिर आपको इस पल जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसे समझने में मदद करती हैं। आपकी जिंदगी में घटित होने वाली चीजों के बारे में पहले से ही आपको हिंट दे देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने पांचों सेंसेस को अच्छे से जागृत करना होगा, समझना होगा। जिस तरह से आपकी देखने की पावर सुनने और सूंघने की पावर से अलग होती है, सुनने की पावर आपके टच करने की पावर से अलग होती है, लेकिन इसके बाद भी ये सभी आपको हर चीज के बारे में अपने अपने तरीके से बिना बोले बताते हैं। आपको हर चीज के बारे में आगाह करते हैं, आपको सही वक्त पर सही जानकारी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक गर्म पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसे देखकर ये नहीं पता कर सकते कि वो गर्म है, आप उसे सुनकर और सूंघकर भी ये नहीं पता कर सकते कि वो गर्म है, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को उस पत्थर के पास या किसी बॉडी पार्ट को ले जाएंगे तो आपकी त्वचा की सेंसेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो पत्थर गर्म है। आप सही समय पर किसी अनहोनी या बुरी घटना से बच जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपके पांचों सेंसेस, जैसे इंद्रियां भी कहते हैं, उनका काम भी इसी तरह का होता है। आपकी लाइफ में सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिनको आप अवेकन यानी जागृत कर लेते हैं, उनको महसूस करने लगते हैं, उनका यूज करने लगते हैं, तो आगे चलकर आपको बहुत चीजों को जानने का पर्सपेक्टिव मिल जाता है, क्योंकि फीलिंग्स आपके अटेंशन पॉइंट की लिस्ट होती हैं, और ये हर पल आपके एग्जिस्टेंस के वाइब्रेटिंग थीम को बताती रहती हैं। आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपके सोर्स से आपको जोड़ने का काम करती हैं। जब आपने इस फिजिकल बॉडी में आने का डिसीजन लिया था, तब आप सोर्स के साथ अपने रिलेशन को अच्छी तरह से समझते थे। आप जानते थे कि आपकी फीलिंग्स लगातार इंडिकेटर का काम करती हैं, जो आपको हर सोर्स के साथ मौजूद आपके रिश्तों के बारे में बताती रहती हैं। इसी वजह से आपको कभी किसी रिस्क या कंफ्यूजन का एहसास नहीं होता, बल्कि एक सच्ची खुशी की फीलिंग होती है। आपकी फीलिंग्स सोर्स के साथ आपके सिनर्जी यानी तालमेल के इंडिकेटर का काम करती हैं। फिर आप अपने थॉट्स पर फोकस करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे आपको उस डिवाइन पावर से तालमेल बनाने या बिगाड़ने का काफी समय मिलता है।
जब आप अपने सोर्स एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी तरक्की होने लगती है। आप जिस लेवल पर उसे एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, आपकी तरक्की रुक जाती है। जब आप अपने दिमाग में ऐसे थॉट लाते हैं जो आपके रियल नेचर को अच्छे लगते हैं, तभी आप अपनी फिजिकल बॉडी में हार्मनी के फ्लो को महसूस करते हैं। फिर आपको प्यार, खुशी और लिबरेशन यानी मुक्ति का एहसास होता है। जब आप अपने इमोशंस को महसूस करने लगते हैं, तब आप कोई गलत काम करते हैं या करने जाते हैं तो आपको अंदर से समझाने की कोशिश की जाती है। आप अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्कल्पचर मिट्टी से अपनी मनपसंद मूर्ति बना लेता है, ठीक इसी तरह आप अपनी एनर्जी का यूज करके अपनी मनपसंद जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप जो भी बोलेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे या साइलेंटली भी किसी चीज पर फोकस करेंगे तो उसे हासिल कर लेंगे। आप अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखें, इमोशंस को समझें। जिस तरह से स्कल्पचर अपने हाथों से अपनी इमेजिनेशन को शेप देता है, मिट्टी को मूर्ति में तब्दील कर देता है, उसी तरह से आपको अपने इमोशंस और अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी भलाई के रास्ते को महसूस करना है। आप उस पर चलते हुए अपने सोर्स की तरफ बढ़ता हुआ फील करें, इमेजिन करें। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हम जो बनना, करना या हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें कितनी स्टेप्स से गुजरना होगा, वो स्टेप्स मुश्किल हैं या आसान। तो चलिए जानते हैं अपने अगले चैप्टर में। किसी भी चीज को पाने के 3 स्टेप्स। दोस्तों, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप्स बहुत ही आसान होते हैं। पहला स्टेप है यानी जो आपको करना है उसके बारे में सोचना, यानी उसे यूनिवर्स से मांगना। दूसरा स्टेप है आप जो कुछ मांगते हैं उसका जवाब यूनिवर्स देता है। तीसरा स्टेप है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा जो जवाब मिलता है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहां आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। आपने जो मांगा है वो आपको मिला, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे विश्वास के साथ उससे जुड़ते हैं। इसलिए तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में आप अपने अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। यह स्टेप बहुत आसान होता है क्योंकि आपकी इच्छाएं आपके अंदर ही होती हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के बारे में जानते हैं, बस आपको उन्हें यूनिवर्स में दिल से छोड़ना होता है। जिस चीज की आप डिमांड करते हैं उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो आपको मिलेगी ही। फिर दूसरे स्टेप में वो नॉन फिजिकल या डिवाइन पावर अपना काम करती है। आप छोटी चीज या बड़ी चीज, किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, उन्हें बिना किसी शक के यूनिवर्स द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है। कॉन्शियसनेस के हर पॉइंट के पास मांगने का राइट है और एबिलिटी भी होती है। कॉन्शियसनेस के सभी पॉइंट्स का एक वजूद होता है, इसी वजह से उनकी डिमांड को तुरंत पूरा किया जाता है। जब भी आप डिमांड करेंगे जरूर उसे पूरा किया जाएगा। कभी कभी आप इसे बोलकर मांग सकते हैं। आप इसे अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की लगातार बहने वाली धारा की वाइब्रेशन के रूप में भी छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स में भी वाइब्रेशन होती है। आपके वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशन मैच करेगी वो उसका जवाब देगी। एक्चुअली यूनिवर्स यानी वो डिवाइन पावर उसका जवाब देती है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके हर सवाल का जवाब मिलता है या दिया जाता है। हर इच्छा पूरी की जाती है, हर प्रेयर सुनी जाती है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर इसके बाद भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि वो इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझते ही नहीं, वे 2 स्टेप्स में ही हिम्मत हार जाते हैं। आगे का प्रोसेस वो कर नहीं पाते क्योंकि वे इसका विरोध शुरू कर देते हैं। आप इसे गौर से समझिए, क्योंकि आप भी ना चाहते हुए भी अपनी कई इच्छाओं का विरोध करते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि जब यूनिवर्स आपको उसका जवाब दे तो आप उस जवाब को एक्सेप्ट करें। इसे आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, यानी स्वीकार करने की कला। ये कला आपको आनी चाहिए। आपके अंदर गाइडेंस सिस्टम की मौजूदगी का यही असली कारण है। इस स्टेप में आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और अपनी इच्छाओं की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बीच तालमेल बैठाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके रेडियो ट्यूनर की फ्रीक्वेंसी होती है। इसे हम पहले भी अच्छे से समझ चुके हैं। आप जो सुनना चाहते हैं उस ब्रॉडकास्ट स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको सेट करना होता है। इसी को आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, यानी आपने जो डिमांड की है और यूनिवर्स ने उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो जवाब दिया है उसे आपको उसी विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना होगा। जब आप उसे एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं होते तब आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, जबकि यूनिवर्स उस जवाब को आपकी तरफ भेज चुका होता है। इसी वजह से बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और बहुत लोग जानते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा नहीं ले पाते। इसलिए ऑथर आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि आपको अपने वाइब्रेशन का तालमेल ठीक से सेट करना चाहिए। जब भी आप किसी चीज को चाहते हैं तो आपकी 2 तरह की इच्छाएं होती हैं, यानी आपको उस चीज को पाने की इच्छा होती है और दूसरी नहीं।
जैसे आपको किसी चीज को पाने की इच्छा तो है, लेकिन आपको ये लगता है कि वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी या आप उसके काबिल नहीं हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा होने में खुद रुकावट बन जाते हैं, यानी आप अपनी इच्छा के एग्जैक्ट ऑपोजिट सोच रहे होते हैं। जैसे आप एक तरफ ये सोचते हैं कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। फिर आप कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहता हूं, लेकिन मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं झेलना चाहता। मैं अपनी फैमिली से तालमेल बिठाना चाहता हूं और मैं तन्हा नहीं रहना चाहता। यानी आपको कहीं ना कहीं खुद पर और उस डिवाइन पावर पर विश्वास नहीं है। इसी वजह से आपकी एनर्जी उस एनर्जी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। आप जो सोचते हैं, आपको जो मिलता है, उसके बीच आइडियल वाइब्रेशनल तालमेल होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स द्वारा दिए जा रहे इंपॉर्टेंट मैसेज को समझने लगते हैं, तब ये भी समझने लगते हैं कि आपको कौन सा वाइब्रेशनल ऑफर मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों को अच्छे से समझना होगा। फिर आपको उनकी हेल्प से पता चलने लगेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस तरफ जाना आपके लिए अच्छा है या नहीं। आप जब भी किसी चीज की डिमांड करें तो इमेजिन करें कि वो आपको मिल गई है। जिंदगी में उसके ना होने के बारे में कभी ना सोचें, नहीं तो आप डिमांड करेंगे, यूनिवर्स वो चीज आपको देगा, लेकिन आप तक वो चीज नहीं आ पाएगी। आप यही सोचेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जानें और अपनी मनचाही चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर। पता लगाएं आप इस वक्त कहां हैं। आजकल बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं। उनको लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। इस चक्कर में वे अपना काफी समय और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ऑथर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप इस वक्त कहां पर हैं और हकीकत में कहां पहुंचना चाह रहे हैं। आप इसे ठीक GPS सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसे गाड़ियों में ग्लोबल पोजीशनिंग नेविगेशनल यानी GPS सिस्टम लगाने के बाद उसकी लोकेशन का पता चलता है, वैसे ही आप भी अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। बस GPS सिस्टम और आपके यूनिवर्स के नेविगेशन सिस्टम में इतना ही फर्क है कि गाड़ियों में लगे GPS सिस्टम को मॉनिटर किया जा सकता है, उन्हें बोलकर डायरेक्शन दी जा सकती है। अगर गाड़ी ने गलत रास्ता पकड़ लिया तो उसे मैसेज भेजकर या बोलकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। फाइनली उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में गाइड किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्स का नेविगेशन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। उसे ये तो पता होता है कि आप कहां हैं, पर वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि आप जाना कहां चाहते हैं, वहां ना पहुंचकर आप इतनी देर कहां थे और क्या कर रहे थे। जबकि आपकी गाड़ियों में लगने वाले GPS सिस्टम को मॉनिटर करने वाले तुरंत आपको बता देंगे कि आप 100 मीटर आगे से मुड़े या आप काफी आगे निकल चुके हैं, आप जल्दी पहुंचिए, आपकी गाड़ी फला जगह 2 घंटे क्या कर रही थी। लेकिन ब्रह्मांड का नेविगेशन सिस्टम आपसे ऐसी बातें कभी नहीं पूछेगा। उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप जहां हैं, आप वहां से जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने में वो आपकी हेल्प करे। लेकिन आपकी फीलिंग्स इसमें गाइड करती हैं, इसलिए आप उनकी हेल्प से ये जान सकते हैं कि आपको जाना कहां है। आप अभी इस वक्त कहां पर हैं, जब आप यूनिवर्स के और अपने इमोशंस के नेविगेशन सिस्टम के काम के फर्क को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपको अपनी इच्छित जगह पर पहुंचने में आसानी होती है। कभी कभी जब आप अपने इमोशंस को नहीं फॉलो करते तो आप दूसरे लोगों की बातें सुनने लगते हैं, उनकी बात मानने लगते हैं, आप अपने से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं। आप प्लान करके अपनी मंजिल की तरफ निकलते तो हैं, लेकिन जब कोई किसी दूसरी मंजिल के बारे में बता देता है तो आप उसके रास्ते को पकड़ लेते हैं। फिर आप दूसरों के रूल्स और लॉजिक्स को फॉलो करने लगते हैं, फिर उस मंजिल के रास्ते में ही कहीं अटक जाते हैं या भटक जाते हैं। इसलिए ऑथर आपको उस सोर्स से कनेक्ट होने के लिए जोर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए जोर देते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को अच्छे से मालूम होता है कि आपको क्या चाहिए। जब आप अपनी फीलिंग्स को नहीं महसूस करते और सोर्स से कनेक्ट नहीं होते तो आप बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल के रास्ते से भटक जाते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि दूसरा इंसान ये नहीं जानता कि आप कहां जाना चाहते हैं और आप अभी कहां पर हैं। इसलिए जब आप अपनी फीलिंग्स पर फोकस करेंगे तभी आप अपने आप को मजबूती से अपने गोल की ओर ले जा सकेंगे। नहीं तो बस आप किसी चीज को पाने की इच्छा तो रखेंगे लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाएंगे, जैसे दुनिया के ज्यादातर इंसान कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको अपनी इनर इंटेलिजेंस पर भरोसा करना चाहिए।
उस डिवाइन पावर पर भरोसा करना चाहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करना चाहिए और अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों को अच्छे से समझना चाहिए। दूसरे लोगों को खुश करना छोड़ दें, क्योंकि जब आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी और को खुश कैसे कर पाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी सोर्स की एनर्जी पर विश्वास करें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। जब आप खुश रहते हैं तभी आप दुनिया को खुशी दे सकते हैं, इसलिए दुनिया को दिए जाने वाला सबसे शानदार गिफ्ट आपकी खुशी होती है। क्योंकि जब आप हैप्पीनेस, जॉय और एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं तभी आप प्योर और पॉजिटिव सोर्स की धारा के साथ बह रहे होते हैं, खुद भी पॉजिटिव और प्योर फील करते हैं। वही आपका असली स्वरूप होता है। जब आप उस धारा के साथ बह रहे होते हैं तो आप जिस भी चीज पर फोकस करेंगे आपको उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनें, खुद पर विश्वास करें, दूसरे क्या कहते हैं और करते हैं इस पर ध्यान ना दें, आप खुद की खुशी पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप खुश महसूस करेंगे तभी आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव बना सकेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम इस किताब की कुछ और इंस्पायरिंग बातों को जानेंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें आस्क एंड इट्स गिवन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। जैसा फील करेंगे वैसी ही फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी। सभी इंसानों में इमोशनल गाइडेंस स्केल अलग अलग लेवल की होती है, यानी अलग अलग भावनाओं की अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। आपके इमोशंस आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इंडिकेटर होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आपके इमोशंस सोर्स एनर्जी के साथ आपके तालमेल के लेवल के इंडिकेटर हैं, तो आप जितना ज्यादा अच्छा फील करेंगे उतना ही अपनी मनचाही चीजों के साथ तालमेल बनाएंगे। फिर आप ये भी समझने लगेंगे कि आपने इमोशंस के लिए कैसे रिएक्ट किया। अपने सोर्स एनर्जी के साथ पूरी तरह से तालमेल का मतलब होता है कि आप फ्री फील कर रहे हैं, आप खुद को पावरफुल महसूस कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप अपने अंदर के प्यार का एहसास कर रहे हैं, आपका एक वजूद है, आपकी जिंदगी में पर्पस है, यानी एक तरह से आपके पास जो जिंदगी है उससे आप खुश हैं। आप इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं, जब आप उन थॉट्स पर विचार कर रहे हों जो आपके ट्रू नेचर को जानने का कारण बने, तो समझ लीजिए कि आप अपने ट्रू नेचर के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। क्योंकि ये परफेक्ट तालमेल का स्टेट होता है, जैसे अलग अलग चीजों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है और एक ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है, वैसे ही आपके इमोशंस के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड दूसरों के फील किए जाने वाले इमोशंस के लिए बिल्कुल सटीक नहीं होते। किसी के इमोशन को कोई वर्ड देना इमोशनल गाइडेंस स्केल के रास्ते में कंफ्यूजन पैदा करना होता है, क्योंकि आपके यही इमोशंस बाद में आपको गाइड करने लगते हैं। इसलिए आपको इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आप दूसरों के द्वारा बताने पर इन्हें फील नहीं कर सकते, आपको खुद इन्हें फील करना होगा। आप क्या सोचते हैं उस हिसाब से शब्द देना होगा। आजकल ज्यादातर लोग दूसरा क्या सोचता है उसी को प्रिडिक्ट करते रहते हैं, जबकि वो उस समय क्या सोच रहा है आप एग्जैक्ट कैसे जान सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, दुख, निराशा, इसी तरह की बुरी फीलिंग्स में फंसे हुए हैं, तो ऐसी ही फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी। अब आपको समझना होगा कि ऐसे में आपके साथ क्या होगा। इसे आप जितनी अच्छी तरह से समझेंगे उतना दूसरा नहीं समझ पाएगा और ना ही कर पाएगा। आप ही इन फीलिंग्स को दूर भी कर सकते हैं। ऑथर्स आपको कुछ फीलिंग्स के नाम बता रहे हैं। पहले तो आपको उन फीलिंग्स को सुनकर समझना होगा कि इस वक्त आप किस तरह फील कर रहे हैं। कभी कभी आप दो चार फीलिंग्स को एक साथ भी फील कर सकते हैं। गौर से सुने उन फीलिंग्स को, फिर खुद से उनको मैच करें। उनमें से अभी आप कौन कौन सी फील कर रहे हैं? जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, प्यार, जोश, उत्साह, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, डर, दुख, गुस्सा, नफरत, बोरियत, एंटिसिपेशन, विश्वास, ऑप्टिमिज्म, होप, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, पैसिज्म, एंजाइटी, ब्लेम, डाउट, जेलिसी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी आदि। अब आपको इन फीलिंग्स को खुद में महसूस करना है कि प्रेजेंट टाइम में आप कैसा फील कर रहे हैं, किन किन फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। अगर आप इन्हें जान लेते हैं तो आपको खुद को समझने में बहुत आसानी होगी, आपको अपनी मनचाही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। इसके साथ ही ऑथर्स ने इस बुक में आगे कुछ खेल यानी मेथड्स को बताया है, जिससे आप खुद के अंदर से बुरी भावनाएं निकाल सकते हैं, साथ ही अपनी पसंद की चीज को हासिल कर सकते हैं या अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में बदलाव ला सकते हैं। हम उन मेथड्स को अपने आगे के चैप्टर्स में अच्छे से जानेंगे, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को पहले नोट कर लें।
आप मौजूदा समय में बताई गई फीलिंग्स में से किसे किसे फील कर रहे हैं। इसी तरह आपको अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल को होशियारी से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे रही है, ऐसा लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में उलझ चुके हैं, आप बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, फिर आपके दिमाग में आने वाला हर थॉट पेनफुल होगा, यानी एक तरह से आप डिप्रेशन से सफर कर रहे होंगे। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं या जो चीज आपको परेशान कर रही है अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा कम डिप्रेस्ड फील करेंगे। हालांकि फटाफट आप अपने डिप्रेशन पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने डिप्रेशन को बहुत दिनों से पाला है। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। जब डिप्रेशन बाहर निकलता है तो आप में खुशी, उत्साह, आनंद जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। इसलिए ऑथर्स का कहना है कि आप अचानक इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश ना करें, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद में इम्प्रूवमेंट करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब आप ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, तो आप अपनी पोजीशंस को जान जाएंगे, आप सोर्स एनर्जी की ओर बढ़ते हुए कहां पर हैं और आपको पहुंचना कहां है ये जान जाएंगे, या आप जहां पहुंचना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या रुके हैं या अपने रास्ते से भटक गए हैं। जब आप इन सारी बातों को अच्छे से जान लेते हैं तो आपको सोर्स एनर्जी की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। बस सिर्फ आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे। अभी तक आपने जिंदगी में जो चीजें की हैं, अगर उससे सीखेंगे तो आप अपनी मौजूदा कंडीशन को बेहतर बना लेंगे। आपने इतनी फीलिंग्स के बारे में सुना है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। हो सकता है कि इन फीलिंग्स में से आपके अंदर कौन कौन सी हैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हों। ऑथर आपको यही समझाना चाहते हैं कि फिलहाल अभी आप ये जान लें कि असल फीलिंग्स सिर्फ दो तरह की होती हैं। एक वो जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, दूसरा वो जो आपको बुरा महसूस कराती हैं। आपको ये तो अच्छे से मालूम होगा कि आप अच्छा और बुरा कब फील करते हैं। जैसे अगर आपके रिश्तों में जॉय, हैप्पीनेस, प्यार, फ्रीडम, नॉलेज जैसी फील ना हो तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप मायूस और डिप्रेस्ड फील करेंगे, आप हमेशा बुरा फील करेंगे। ये फीलिंग्स आपको आगे बढ़ने से रोक देंगी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां ना पहुंचकर रास्ते में अटके रहेंगे या रास्ते से भटक जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर गौर करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस से ये समझने में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम आपको क्या बता रहा है। फिर आप उसके हिसाब से खुद में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। बुरे थॉट्स को रिमूव करने का तरीका। ऑथर कहते हैं कि सबसे अच्छा यह है कि आप अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दें, यानी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ जो हो रहा है उसके साथ। इससे आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे जो आपको पसंद है। इससे आपका अट्रैक्शन पॉइंट इंप्रूव होगा। फिर आपके साथ कुछ भी बुरा होने से पहले वो आपको हिंट देगा। इसलिए अपने थॉट्स को अच्छी फीलिंग्स के डायरेक्शन में पर्पसफुली ले जाएं। जब आप फील होने वाले थॉट्स को पर्पसफुली चुनते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तब इन अच्छी फीलिंग्स को हकीकत में बदलते हुए देखने में आपको खुशी मिलती है। ज्यादातर लोगों के ज्यादातर थॉट्स के वाइब्रेशन वो होते हैं जो देखते हैं, उनके रिएक्शन भी वैसे ही होते हैं जैसे वो किसी चीज को देखते हैं। जब वो कोई शानदार चीज देखते हैं तो उनकी फीलिंग्स भी शानदार होती हैं। जब वो कोई बुरी चीज देखते हैं तो उन्हें बुरा फील होता है, लेकिन वो मानते हैं कि उनका इन फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन हालात को नियंत्रित नहीं कर सकते जिन्हें वो देखते हैं। कुछ लोग इसलिए अच्छा फील नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रेजेंट टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। वे अक्सर यही कहते हैं कि एक बार जब ये सिचुएशन सही हो जाएगी तो उन्हें अच्छा फील होने लगेगा। जब उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो उन्हें अच्छा फील होने लगेगा। जब वो अपने सपनों का घर खरीद लेंगे या अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ, अच्छा पार्टनर पा जाएंगे तब खुश होंगे। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वे अपनी ही चीजों को अपने पास आने से रोकते हैं। जब उन्हें अच्छा फील करना चाहिए तब वो दुखी फील कर रहे होते हैं। जब उन्हें अपनी मनचाही चीज को अट्रैक्ट करना चाहिए तो उसे रोक रहे होते हैं। अगर वे इसकी जगह पर ये सोचने लगे कि वे खुश हैं तो उनके पास घर भी आएगा, पैसा भी आएगा, नौकरी, लाइफ पार्टनर, सब मनपसंद की मिल जाएगी। जब वे अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत खुश होंगे तो सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन से मैच करती है। इसलिए तो ऑथर्स कहते हैं आपको सजग होकर अपने थॉट्स को चुनना चाहिए। अगर आप
गलत थॉट्स को चुनेंगे तो आप बुरा फील करेंगे और आपके साथ बुरी चीजें ही होती रहेंगी। आप इस बात को दिमाग में रख लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल नियम है। आपके लिए ये पॉसिबल नहीं कि आप किसी ऐसे थॉट को खोजें या अपने दिमाग में क्रिएट करें जो आपके मौजूदा वाइब्रेशनल ट्रेंड पॉइंट से काफी अलग हो। आप सिर्फ उसी विचार तक पहुंच सकते हैं जिसके वाइब्रेशंस आपकी मौजूदा वाइब्रेशन रेंज के अंदर होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई सॉन्ग सुना है जो आपको कभी भी बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन कुछ सालों बाद वही सॉन्ग आपको जरा भी पसंद ना आया हो? उसे जब आप फर्स्ट टाइम सुन रहे थे तो अद्भुत ऑसम वाली फीलिंग आ रही थी, आप उस गाने में खो गए थे, चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई थी। लेकिन जब आप सेकंड टाइम वही सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको अजीब लग रहा है, उसे सुनते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। आपने जब भी जो एक्सपीरियंस किया है उस सॉन्ग्स के साथ आपका वाइब्रेशनल सिनर्जी यानी तालमेल था, यानी जब आप अपने ट्रू नेचर के आसपास थे तो सॉन्ग आपकी अच्छी फीलिंग्स के साथ मिक्स हो गया था, लेकिन जब आप अपने ट्रू नेचर से दूर गए तो वही सॉन्ग आपको अच्छा नहीं लग रहा था। वो सॉन्ग आपकी भलाई के लिए आपके वाइब्रेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा था जो आपका ट्रू नेचर है, लेकिन उस वक्त आपके अंदर विरोध करने वाली वाइब्रेशन उठ रही थी। यानी सॉन्ग्स वही है लेकिन आपका ट्रू नेचर या असली स्वभाव बदल चुका है। आप उस वक्त कुछ और फील कर रहे थे जिसकी वाइब्रेशन सॉन्ग का विरोध कर रही थी। जैसे कभी आपके फ्रेंड आप पर कमेंट करके आपको चिढ़ाते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी आप वही सेम चीज करने पर बुरा मान जाते हैं जबकि उनका इरादा आपको खुश करने का होता है, लेकिन आप वो खुशी महसूस नहीं करते क्योंकि आप जो वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं वो उनके द्वारा दी जाने वाली खुशी के वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रही है, इसलिए आपको बुरा लग रहा था। आप जिस भी थॉट पर फोकस करते हैं वो आपकी इमोशनल रिएक्शन की फीलिंग का कारण बन जाती है। यानी आप वक्त के साथ स्पेसिफिक चीजों के बारे में स्पेसिफिक तरीके से सोचने लगते हैं। इसी को इमोशनल इंक्लिनेशन पॉइंट कहा जाता है, यानी आप प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। जैसा कि हम फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जान चुके हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस आ सकते हैं, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। हम नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, इसलिए ऑथर आपको बार बार खुश रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे अपने हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। साथ ही वे ये भी सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने अंदर के बुरे थॉट्स को रिमूव करना है तो सबसे बेस्ट है प्यार का इस्तेमाल करें। जी हाँ, प्रेम या लव, आप जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरी सिचुएशंस में भी अच्छा फील करेंगे। उसके लिए पहले तो खुद से प्यार करना शुरू कर दें। अपने लाइफ पार्टनर से बात करते वक्त प्यार का इस्तेमाल करना होगा। आपके जो रिश्ते हैं उनसे प्यार करना है। पड़ोसियों यानी जिससे भी मिलें उससे प्यार से पेश आएं। प्यार बुरी भावनाओं को निकालने की वैक्सीन की तरह काम करेगा। जब आप प्यार करना सीख जाएंगे तो आप में भी उत्साह होगा और आप अपनी करंट सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल लेंगे, अपनी जिंदगी को बदलने लगेंगे। इसलिए ऑथर आपको स्पेशली कहते हैं कि प्यार के इस इम्पोर्टेंस को समझें, तो आज से ही हर चीज से प्यार करना शुरू कर दें। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम एप्रिसिएशन मेथड यानी तारीफ करने की विधि का यूज करके खुद के अंदर से अपनी बुरी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। एप्रिसिएशन मेथड का इस्तेमाल करें। ऑथर का मानना है कि कभी कभी जिंदगी में इंसान के हालात उसके फेवर में नहीं होते। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके थॉट्स पर उसका कंट्रोल नहीं होता। अगर उसका जरा सा भी वक्त खराब होता है तो खुद को कोसना शुरू कर देता है, अपनी किस्मत को दोषी ठहराने लगता है, उसे लगने लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वो ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है जो उसे वैसा ही फील कराती हैं कि सच में उसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वो ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है जो उसे वैसा ही फील कराती हैं, सच में उसकी किस्मत ही खराब है, उसी के साथ बुरा हो रहा है, बाकी लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। ऑथर्स यहां पर कुछ चीजें बताते हैं जिन्हें आप अपने इमोशनल इंक्लिनेशन पॉइंट से सही कर सकते हैं। पहले तो आप उन सिचुएशंस के बारे में जानें जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। गौर से सुने, क्या आप भी कभी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है? क्या आपके किसी इंसान या किसी चीज के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं और आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं? आप अच्छा फील नहीं करते, अच्छी से अच्छी चीज भी आपको खुशी नहीं देती, क्या आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं? साथ ही आप अपने मौजूदा एहसास में बदलाव लाना चाहते हैं? आप किसी चीज पर फोकस करें और उससे आपको लाभ मिलने लगे,
कभी कभी किसी लाइन में खड़े होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल में फंसे होते हैं और आपको बड़ा गुस्सा आता है, अजीब फील करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं। जब आप कोई नेगेटिव चीज देखते हैं या नेगेटिव इंसान आपके पास आकर खड़ा हो जाता है तो आप नेगेटिव होने लगते हैं, उसकी बातों का असर आप पे होने लगता है। नेगेटिव लोगों के साथ आप भी नेगेटिव बातचीत शुरू कर देते हैं जबकि आप नहीं करना चाहते। आप अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो क्या आप अपनी इस फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं? सवालों की लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के मन में ऐसे ही कई सवाल आते होंगे या आपके साथ एक्सपीरियंस होता होगा। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप में से ज्यादातर लोग अपने इस बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑथर्स आपको यही सजेशन देते हैं कि एप्रिसिएशन के मेथड को अपनाएं, यानी तारीफ के तरीके का इस्तेमाल करें। प्यार का यूज तो हम समझ ही चुके हैं, प्यार के साथ अगर आप एप्रिसिएशन के मेथड को अपनाते हैं तो आपको बुरे हालात से निकलने में हेल्प मिलेगी, साथ ही नेगेटिव से पॉजिटिव बनने में भी हेल्प मिलेगी। उससे पहले आपको अपने इमोशनल इंक्लाइनेशन पॉइंट को समझना होगा, यानी आप प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। जैसा कि हम फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जान ही चुके हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में आप किस इमोशंस में बह रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं? जैसे अच्छा फील कर रहे हैं, इसका आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं। खुद से सवाल करें कि आपका असली नेचर क्या है, आप प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं? क्या आप फ्री फील हैं या किसी टेंशन से जकड़े हुए हैं? आप प्रेम करना चाहते हैं? आप खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं? आज आप सब कुछ अच्छा चाहते हैं? इससे आपको अपने प्रेजेंट मेंटल स्टेट का पता चल जाएगा। इससे आपको अपनी अच्छी फीलिंग्स और अपने ट्रू नेचर से तालमेल बैठाने में आसानी होगी। जब आपका असली स्वभाव यानी ट्रू नेचर होता है, आप लाइफ में हमेशा फ्री फील करें, खुश रहें, मस्ती से जिएं, सबसे प्यार करें। लेकिन जब आपके असली स्वभाव का तालमेल व्यग्रता, एंजाइटी, ब्लेमिंग, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, गुस्सा, बदले और असुरक्षा की भावना से होता है तो आपके साथ सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। आपके अंदर चाहे कितनी भी बुरी भावनाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप उन्हें एप्रिसिएशन मेथड यानी तारीफ के तरीके के जरिए बाहर निकाल सकते हैं, अपने असली स्वभाव को फिर से सामने ला सकते हैं। आप इस खेल से अपने दिमाग को खुशनुमा विचारों की ओर ले जाकर खेल सकते हैं। इसके खेल की शुरुआत आप छोटी सी छोटी चीज से भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप जहां पर हैं वहां आसपास देखें। अगर आपकी कोई मनपसंद चीज दिखे तो उसे देखते हुए खुशी महसूस करें, उसकी तारीफ करें, सोचें वो चीज कितनी शानदार, खूबसूरत और यूजफुल है। जितनी देर तक उस चीज के बारे में आप अच्छा सोच सकें, सोचें। जितनी देर तक सोचेंगे आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोचकर पेपर लिखते हैं तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। किसी चीज को लिखने से उसका प्रभाव और अच्छा पड़ता है। इतना ही नहीं, जब आप अपनी फीलिंग्स में सुधार पर ध्यान दें तो उसकी भी तारीफ करें। फिर धीरे धीरे जब आप एक बार अच्छी फीलिंग को डेवलप कर लें, तब आप अपने आसपास के माहौल में ऐसी पॉजिटिव चीजों की खोज करें जो आपके मन पसंद की हों। उनके लिए अपने दिमाग में अच्छे वर्ड्स लाएं, तारीफ करें। इस प्रैक्टिस से आप हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने लगेंगे। जितने समय तक उस पर फोकस करेंगे आपको अच्छा महसूस होगा। आपके लिए अच्छा महसूस होने वाले इस वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना उतना ही आसान है जितना बेटर फील होने वाली फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना। तारीफ के वाइब्रेशन आपके फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और ये मेथड आपको उस स्टेट में ले जाएगा जिसमें आप अपने इनर पावर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हासिल कर सकेंगे। आप तारीफ करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आप उस वाइब्रेशनल फीलिंग से परिचित हो जाएंगे। फिर आप एक वाइब्रेशनल स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां आप जिन चीजों की इच्छा करेंगे वे आसानी से आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी, आपकी फीलिंग भी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो आज से ही इस मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसके जादू को महसूस करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम मैजिकल क्रिएशन बॉक्स के बारे में जानेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपनी उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो उस बॉक्स में डालेंगे। मैजिकल क्रिएशन बॉक्स का यूज करें। अब ऑथर्स आपको एक और शानदार मेथड के बारे में बताते हैं जिससे आप अपनी मनपसंद चीजों को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है मैजिकल क्रिएशन बॉक्स। ये मेथड आपके लिए तभी सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होगी जब आपका इमोशनल ट्रेंड पॉइंट जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, प्यार, तारीफ और ऑप्टिमिज्म की कैटेगरी के बीच होगा, यानी
तभी ये मेथड अच्छे से काम करेगा जब आप इन फीलिंग्स में से किसी एक को या एक से ज्यादा को फील कर रहे होंगे। इस मेथड को शुरू करने के लिए आपको एक अट्रैक्टिव बॉक्स की खोज करनी होगी, यानी एक बॉक्स को इमेजिन करना होगा। इमेजिन करें कि आप किसी चेयर पर बैठे हैं और आपकी चेयर के पास एक बड़े आकार का खूबसूरत बॉक्स रखा हुआ है। आप जानते हैं कि आप क्रिएटर हैं और ये बॉक्स क्रिएशन है। एक तरह से यही बॉक्स आपकी दुनिया है, आपका इम्पोर्टेंस है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। आप इस यूनिवर्स में कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी किसी पसंदीदा चीज की खोज कर सकते हैं। आप में किसी भी चीज को लाकर इस बॉक्स में डालने की ताकत है। जैसे आप अपने सपनों का घर चुनकर इस बॉक्स में डाल सकते हैं, अपनी फेवरेट कार को इस बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना पसंदीदा जीवन साथी, सुख सुविधा के सभी साधन को चुनकर इस बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी आप इस बॉक्स में वो सभी चीजें डाल सकते हैं जो आपकी फेवरेट हैं, ऐसी चीजें जिन्हें पाकर आप खुश और एक्साइटेड फील करें। ये एक ऐसा खेल है जिसे आपको एक मेंटल गेम की तरह खेलना है, लेकिन आप इसे और मजेदार बनाने के लिए एक रियल बॉक्स लाकर रख सकते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज डालें जो आपकी इच्छा को रिप्रेजेंट करती हो। आप अपनी मैजिकल क्रिएशन बॉक्स में जो भी चीज डालें, उस समय आपको ध्यान देना होगा कि आप रेजिस्टेंस की पोजीशन में ना हो। आप देखेंगे कि यूनिवर्स जवाब देगा, किसी तरह से वो आपके पास वो चीज लाएगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज को बॉक्स में डालते वक्त रेजिस्टेंस का पैटर्न अपनाते हैं, तो आपको अपनी मनपसंद चीज को पाने में वक्त लगेगा। हालांकि ये मेथड बहुत लोगों को मजाक लग सकता है, लेकिन ये एक इफेक्टिव मेथड है क्योंकि आपका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल आपकी कल्पना पर होता है। लेकिन आपको इस मेथड का यूज करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना है। जब आप अपनी किसी चीज को अपनी मैजिकल क्रिएशन बॉक्स में डालते हैं, तो ऐसी किसी चीज के बारे में ना सोचें जिसे आप नहीं चाहते। इस मेथड का यूज ऑथर्स ने खुद किया है। इसकी हेल्प से उन्होंने अपनी कई फेवरेट चीजों को हासिल किया है। जैसे एक बार जेरी और एस्थर अपने घर के लिए जापानी ओरिएंटल कारपेट की खोज कर रहे थे। एक दिन प्लेन ट्रिप के दौरान उन्हें उस कारपेट की पिक्चर एक मैगजीन में दिख गई। उन्होंने वो पिक्चर फाड़ ली और उन्होंने तुरंत उसे इमेजिन करके अपने मैजिकल क्रिएशन बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्हें एक बॉक्स मिला। जब उन्होंने वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक नई कारपेट कंपनी का पोस्ट कार्ड मिला। उस पोस्ट कार्ड पर सेम उसी तरह के कारपेट की पिक्चर थी। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये उनके साथ 24 घंटे के अंदर ही हो गया था। वो बताते हैं कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने मैजिकल क्रिएशन बॉक्स की प्रैक्टिस कर ली थी। इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें हासिल की। आप लोगों के लिए ऑथर्स का यही सजेशन है कि इस मेथड को करते वक्त आप एंजॉय करें। आपकी इमेजिनेशन में बहुत ताकत होती है। जब आप उसे पॉजिटिव तरीके से एंजॉय करते हुए करते हैं, तो उसका असर दिखता है। कभी कभी आपको कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है, तो आपकी खुशी बहुत कम होती है। आप उसे पाएंगे, थोड़ी देर के लिए खुश होंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जब आप मैजिकल क्रिएशन बॉक्स से खेल को खेलते हुए अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। इसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी तो आपको उन चीजों को भी पाने का मौका मिलेगा जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाहते थे। जब आप मैजिकल क्रिएशन बॉक्स में कोई चीज को डालते हैं और फिर उसी चीज को पा जाते हैं, तो आपका एक्साइटमेंट भले ही छोटा हो, लेकिन वो यादगार होता है। यादगार पल को आप हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया होता है। इसलिए उसके पाने की फीलिंग ही अलग होती है। आपको ये मेथड सुनने में भले ही मजाकिया या सिंपल लगे, आपको ये भी लग सकता है कि ऐसा भी होता है क्या। ऑथर्स आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ, ऐसा होता है। आप जब किसी चीज की रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट पर रिएक्शन आता है। आप उसके इफेक्टिवनेस को देखकर दंग रह जाएंगे। इसलिए मैजिकल क्रिएशन बॉक्स का खेल जरूर खेलें। जब आप इसे खेलना शुरू करेंगे, तो आप इस पर विश्वास भी करना शुरू कर देंगे। आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम गेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानेंगे, यानी संपन्नता के खेल के बारे में। वीओ 15 गेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आगे ऑथर्स आपको एक और मजेदार खेल के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है गेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी संपन्नता का खेल। ये भी खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने का एक इफेक्टिव मेथड है। आप इस मेथड का यूज तभी करें जब आप अपनी इमेजिनेशन एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं में ज्यादा क्लैरिटी लाना चाहते हैं, जब आप अपने एक्सपीरियंस में पैसे के इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में तरह तरह की चीजों को पाना चाहते हो और चीजों का इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हो। क्या आप लोगों की भी यही इच्छा है कि आप अपनी जिंदगी के इन एरियाज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं? तो आपको इस बात पर स्पेशल अटेंशन देना होगा कि आपका इमोशनल ट्रेंड पॉइंट
एंजॉयमेंट, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, प्यार, तारीफ और निराशा हो, तभी आप इस खेल को खेलें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस खेल को खेलने के लिए भी आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना होगा। इस मेथड की शुरुआत में आप एक इमेजिनरी चेकिंग अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक बैंक अकाउंट की तरह। यानी इसमें कोई रियल बैंक नहीं होता, लेकिन आप इसमें डिपॉजिट स्लिप और चेक विड्रॉल बिल्कुल उसी तरह से यूज करते हैं जैसा कि आप रियल बैंक में करते हैं। आप इसे और इजी बनाने के लिए अपने कंप्यूटर के अकाउंटिंग प्रोग्राम या पुरानी चेकबुक सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, जो आपके घर में ही ऐसे बेकार पड़ी हो, जो यूज में ना हो। एक नोटबुक या चेकबुक रजिस्टर और पेपर के खाली टुकड़ों को डिपॉजिट स्लिप और चेक की तरह यूज कर सकते हैं। ऑथर के कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से खेलें कि ये रियल लगे। अपने इस अकाउंट में आपको सबसे पहले 1,000 रुपए डिपॉजिट करना है, फिर उसे निकाल कर खर्च करना है। यानी अपने चेकबुक रजिस्टर में 1,000 रुपए की डिपॉजिट एंट्री करें और उसके बाद उसे निकालने के लिए एक चेक लिखें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी रियल लाइफ में अपने खर्चों के लिए चेक बनाते हैं। आप निकाले गए पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। आप उसे एक साथ पूरा खर्च कर सकते हैं या अलग अलग चीजों पर खर्च कर सकते हैं। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से खर्च करते हैं। इस मेथड का मेन पर्पस यही है कि आप जो खरीदना चाहते हैं इमेजिन करके अपनी मनपसंद चीजों को खरीदें, जैसे आप रियल लाइफ में कोई चीज खरीदते हैं। फिर जब उन चीजों को खरीद लें तो ठीक वैसे ही अच्छा फील करें जैसे रियल लाइफ में अपनी पसंदीदा चीजों को पाकर करते हैं। फिर आप चेक के मेमो के पार्ट में उस खर्च किए गए पैसों को डिस्क्राइब करें। मान लें कि आप कोई रनिंग शूज खरीदते हैं या किसी स्पा में जाते हैं या फिर कोई जिम ज्वाइन करते हैं। उसके लिए आप खर्च करने के लिए जो चेक बनाते हैं उस खर्च किए गए पैसे के बारे में चेक के मेमो पार्ट पर भी लिखें। आप अपने उन पैसों को एक दिन में खर्च कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ऑथर्स का बताने का मेन पर्पस यही है कि आप उन पैसों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, क्योंकि आगे आप अपने इस अकाउंट में जमा करने वाले हैं। उस अमाउंट को पाकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। इस तरह से आप दूसरे दिन 2,000 डिपॉजिट करें, तीसरे दिन 3,000, चौथे दिन 4,000 और 50वें दिन 50,000 डिपॉजिट करें। इस तरह से अगर आप इस खेल को पूरे साल खेलते हैं तो आपके अकाउंट में 6,60,00,000 रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आप सेम अमाउंट को खर्च भी कर चुके होंगे। इससे आपको आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने का बेनिफिट मिलेगा। कुछ दिन बाद आप फील करने लगेंगे कि कई हफ्तों तक इस खेल को खेलने के बाद आप इतने पैसे खर्च करने के असली कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर इंसान अपनी इमेजिनेशन पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जो वो देखते हैं। जो अपनी इमेजिनेशन पावर यूज नहीं करते वे इस खेल को खेलकर खुद को नए थॉट्स तक पहुंचा सकते हैं। फिर आप वक्त के साथ साथ अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को विस्तार देने लगेंगे। इस तरह से आप अपने अट्रैक्शन पॉइंट को बदलने का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपनी निराशा को आशा में बदल सकते हैं, अपने दुख को खुशी में बदल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अभी आप वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं वो आपकी असली जिंदगी का रिएक्शन है या आपकी इमेजिनेशन। ये संपन्नता का खेल आपके अट्रैक्शन पॉइंट के वाइब्रेशन में बदलाव लाने की एक पावरफुल मेथड है। आप इस खेल को थोड़े समय के लिए खेल सकते हैं, पूरे साल के लिए खेल सकते हैं या फिर अपने मन मुताबिक कितने समय तक भी खेल सकते हैं। आप जो भी चुने वो आपके लिए सही हो। इसे खेलते हुए आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। आप इसे जितना ज्यादा खेलेंगे आपकी इमेजिनेशन उतनी ही एक्सपेंड होती चली जाएगी। जब आपकी इमेजिनेशन एक्सपेंड हो जाएगी तो आप जॉय यानी आनंद की फीलिंग पर फोकस हो जाएंगे। आपका अट्रैक्शन पावर भी बदल जाएगा। इस गेम को मजेदार तरीके से खेलने से न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा बल्कि आप अपनी जिंदगी के सभी एरियाज में सुधार देखेंगे। इससे आपको अपनी मनपसंद चीज के इर्द गिर्द ज्यादा वाइब्रेशन छोड़ने में मदद मिलेगी। इस खेल को खेलने से आप और ज्यादा होपफुल वाइब्रेशन छोड़ सकेंगे। ऑथर्स का दावा है कि इस खेल की शुरुआत करने से आपके वाइब्रेशन बदलने शुरू होने के साथ साथ रिएक्ट भी करने लगेंगे। तो आप भी इस खेल का आनंद उठाएं और अपनी जिंदगी के हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी लाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम अपने सपनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। VO16 अपने सपनों के बारे में जानें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको सपने क्यों दिखाई देते हैं? इन सपनों का आपकी असल जिंदगी से क्या रिश्ता है? या फिर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर सपना दिखाई देता है जो आप कई बार पहले भी देख चुके हैं? हम अपने इस चैप्टर में अपने सभी दिखने वाले सपनों की मेथड को समझेंगे।
ये मेथड आपके लिए तभी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी जब आपका इमोशनल ट्रेंड पॉइंट जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, प्यार, तारीफ, डर, डिप्रेशन और हेल्पनेस से हो। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है और जो हमारे साथ हकीकत में होता है, उनके बीच हमेशा वाइब्रेटरी तालमेल होता है। ठीक इसी तरह से हमारे सबसे मजबूत थॉट्स और हमारे परसेप्शंस के बीच भी तालमेल होता है। फिर आप अपने थॉट्स में कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ हकीकत में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बीच के गहरे रिश्ते को आप समझने लगते हैं। आप उन सभी चीजों को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। जब आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होते हैं, तो आपको उनकी हकीकत में बदलने से पहले हिंट मिल जाता है। लेकिन आपको ये पहले ध्यान देना है कि जब किसी चीज के बारे में सोचें और वो चीज आपको हकीकत की जिंदगी में मिल जाए, तो अपने थैंक्स और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना ना भूलें। आप जो कुछ भी सपने देखते हैं, उनका हमेशा उन थॉट्स के साथ तालमेल होता है जो आप सोच रहे होते हैं। इसलिए आपका हर सपना आपका ही क्रिएशन होता है। आप ऐसा कोई सपना नहीं देख सकते जिसे आप अपने थॉट्स में क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आपकी इमेजिनेशन की जितनी ज्यादा पावर होगी, जितना आप सोच सकते हैं, उतनी ही कैपेसिटी के सपने आपको दिखाई देंगे। ऑथर्स का कहना है कि अपने सपनों को इवेल्युएट करना यानी मूल्यांकन करने से पहले आपको कुछ आसान सी बातों को अपने दिमाग में रखना है। सोने से पहले कॉन्शियसली इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपके सपने साफ साफ आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप सोने से पहले खुद से कहें कि मैं अच्छी तरह से रेस्ट करना चाहता हूं, जब उठूं तो रिफ्रेश फील करूं, अपने सपने में अपनी सारी चीजों को देख सकूं और जागने पर वो मुझे याद रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो सपने दिखाई देंगे वे याद रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ जरूरी सपने देखते हैं लेकिन वो सुबह उठते ही उसके बारे में भूल जाते हैं। जब आप उठें तो थोड़ी देर लेटे रहें, खुद से कहें कि मुझे अपने सपने की बातें याद हैं। वैसे तो आप पूरे दिन भर में अपने सपनों की जरूरी बातों को याद रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि जब आप उठें तभी अपने सपने को पूरी तरह से याद कर लें। सोने से पहले खुद से भी यही कहें कि मैं अब ऐसे सपने देखूं जिससे मैं अच्छा फील कर सकूं। जब आप अच्छा महसूस करने वाले सपने देखकर उठेंगे तो आप रियल लाइफ में भी अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप बुरे सपने देखकर उठते हैं तो आप सतर्क हो जाएं कि आपके डोमिनेंट थॉट्स किसी ऐसी चीज को अट्रैक्ट करने की प्रोसेस में है जो आपको नहीं चाहिए। इसलिए ऑथर्स आपसे हमेशा यही कहते आ रहे हैं, आप उन चीजों के बारे में कभी ना सोचें जो आपको नहीं चाहिए। जब आप एक बार ये समझने लगेंगे कि आपके सपने वही हैं जो आप महसूस करते हैं या महसूस कर रहे हैं, या वे थॉट्स हैं जो आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपने सपनों में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने थॉट्स में बदलाव लाना शुरू कर देंगे। जो लोग ज्यादा बुरे सपने देखते हैं, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वे बस तारीफ की मेथड को अपना लें। अपनी कॉन्शियसनेस से कहें कि वो आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पर ना ले जाए जिसे आप नहीं चाहते। साथ ही आप इस चीज की भी तारीफ करें कि आपकी फीलिंग्स आपको आगाह करती रहती हैं। आप सपना देखते हुए कुछ क्रिएट नहीं करते, आपका सपना उसी को एक्सप्रेस करता है जो अपनी जागृत अवस्था में विचार करते हैं। लेकिन जब आप एक बार जागते हैं, उन सपनों के बारे में विचार करते हैं, तो वे भी आपके फ्यूचर क्रिएशन पर इफेक्ट डालते हैं। ऑथर्स का कहना है कि हो सके तो आप अपने सपनों को लिख लिया करें, लेकिन ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सपने में जिस जगह को देखा उसे नोट कर लें, समय को लिख लें, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, आप उस सपने में क्या कर रहे थे, बाकी लोग उस सपने में क्या कर रहे थे, इन सब चीजों को जरूर लिखें। उस सपने को देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे थे ये भी जरूर लिखें। हो सकता है कि आप उस सपने को देखते हुए अलग अलग तरह की फीलिंग्स को फील कर रहे थे, लेकिन ये फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक ही सपने में आप एक्साइटमेंट और गुस्सा फील नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों फीलिंग्स की वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी एक ही सपने में नहीं आ सकती। आप अपने सपने से अपनी मौजूदा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए आपको उस सपने को याद करना होगा, उन नॉन फिजिकल थॉट्स के ग्रुप का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। आप सपने में क्या बातचीत कर रहे थे उसके बारे में ध्यान देना होगा। जैसे आप किसी चीज को बहुत दिनों से पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज आपको मिल ही नहीं रही, तो आपको एक ऐसा सपना जरूर दिखेगा जिसमें वो चीज मिलती हुई दिखाई देगी आपको। फिर उस सपने की हैप्पी मेमोरी से अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप होपलेस फील करें, उस सपने के बारे में सोचें। इसके लिए आपको उन वाइब्रेशंस के बारे में सोचना होगा जो आप उस सपने में महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप उन्हीं वाइब्रेशंस से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सपने आपको अपने आसपास के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करते हैं।
अगर आप सपने में कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिससे आप डर जाते हैं, तो जागने पर अपने कॉन्शियसनेस से कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। सोने से पहले आप अपनी पसंदीदा चीज की मांग कर सकते हैं, आप अपने सपनों में वही देखेंगे। धीरे धीरे आप अपने अंदर की एनर्जी से फायदा उठाने लगेंगे, रियल लाइफ में भी उस चीज को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको चाहिए। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम अपनी नेचुरल हेल्थ को फिर से हासिल करने के बारे में जानेंगे। अपनी नेचुरल हेल्थ को वापस पाएं। कभी कभी आपकी जिंदगी अच्छी खासी चलती रहती है, आपके पास सारी सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते। आपके अंदर कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन आप खुद को बीमार जैसा महसूस करते हैं। आपकी बॉडी के किसी अंग में दर्द होता रहता है, लेकिन एक्चुअली उस दर्द के पीछे का रीजन आपको पता नहीं चल पाता, या फिर आप अपने शरीर को लेकर डरे रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़े ही दर्द में बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सोचने लगते हैं। कई तो जाकर डॉक्टर के पास चेकअप भी कराते हैं कि उन्हें कहीं कुछ बीमारी तो नहीं है, जिसके बारे में वो अक्सर सोचते रहते हैं। इसका यही कारण है कि वे अपनी नेचुरल हेल्थ को भूल चुके होते हैं। खैर, अभी आप कैसा भी फील क्यों ना कर रहे हो, आप खुद को पहले से भी ज्यादा तेज तर्रार महसूस कर सकते हैं। ये ऑथर्स का दावा है। वे आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जिससे आप खुद की नेचुरल हेल्थ को फिर से फील कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये मेथड उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इम्पेशेंट, डर, दुख, डिप्रेशन, होपलेसनेस और खुद को पावरलेस फील करते रहते हैं। इस मेथड को करने के लिए आप कोई कंफर्टेबल जगह खोज लें, फिर वहां जाकर लेट जाएं। आप जितनी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, उतना ही आपको अच्छा फील होगा। इसके लिए डेली आप अपने लिए 15 मिनट का फ्री टाइम जरूर निकालें। ऑथर आपको एक लिस्ट बनाने का सुझाव दे रहे हैं, जिसमें आपको लिखना है, मेरी बॉडी को हेल्थी रहना अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या अच्छा है ये मेरी बॉडी को पता होता है, मेरे अंदर पर्सनल वार्निंग की अरबों सेल्स हैं जो मुझे अपना पर्सनल बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं, मैं इस बीमारी के कारण को समझना जरूरी नहीं समझता, फाइनली मुझे इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाना है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बॉडी को हेल्थी रखने और बेहतर विचारों के साथ तालमेल बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए इसमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, मेरी बॉडी को मेरे लिए जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करती है, वेलनेस मेरे लिए नेचुरल है, मैं सेफ फील करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दूंगा जिससे मेरी बॉडी और मेरे सोर्स एनर्जी की आपस में बात हो सके। इस लिस्ट को किसी ऐसी जगह लिखकर चिपका दें जहां आसानी से लेटकर पढ़ सकें। खुद को इसे पढ़कर सुनाएं, लेटकर अपनी सांसों पर फोकस करें, उन्हें अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। यानी आपका मेन पर्पस आपको शांत अवस्था में ले जाना है। कोशिश करें कि डीप ब्रीदिंग करें, लेकिन सांस लेते वक्त ताकत का इस्तेमाल ना करें। फेस पर एक स्माइल बनाकर रखें, फील करें कि ये सोर्स एनर्जी आपके सेल्यूलर रिक्वेस्ट का जवाब दे रही है। कुछ लोग इसी दर्द के पीक पॉइंट पर होंगे, जिसकी वजह से वो दर्द उन्हें ज्यादा परेशान कर रहा होगा, तो आप अपनी लिस्ट में इन बातों को भी जोड़ें। दर्द को फील करने का मतलब है कि सोर्स एनर्जी मेरी एनर्जी के सेल्यूलर रिक्वेस्ट पर रिएक्ट कर रही है। दर्द की ये फीलिंग इस बात का अच्छा साइन है कि मदद भेजी जा रही है। मैं इस दर्द में भी शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इम्प्रूवमेंट का इंडिकेटर है। आपकी बॉडी का हर सेल एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। हर सेल फ्री होकर रिएक्ट करता है। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तब आपके सर्किट खुल जाते हैं, जिससे आप अपने अंदर की पावर को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप गिल्टी, डर, गुस्सा जैसी बुरी फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो आपका ये सर्किट बंद होने लगता है। फिर आप उस लाइफ सोर्स को उतने अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाते। जो बच्चे छोटे हैं, जो अपनी लिस्ट नहीं लिख सकते या फिर बोल नहीं सकते, उनके लिए भी ऐसे वाइब्रेशन मौजूद हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ तक कि माँ के पेट में रहते हुए भी अगर पैदा होने के बाद किसी बच्चे में कोई डेफिशिएंसी है या उसमें कोई नॉर्मल बच्चों की तुलना में कमी है, तो उन्हें ऐसे थॉट्स के लिए इंस्पायर किया जाए जिससे वे अपनी भलाई को एक्सेप्ट कर सकें। इससे वे अपनी पूरी बॉडी को फील करेंगे, वे खुद को इस तरह से बदल लेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हेल्थी रहना एक इंसान का नेचर होता है, वो जन्मजात संपन्न होता है। इसके लिए बस उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस करनी है। आप खुद की किस्मत को कभी ना कोसें। आप अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करते हुए एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। आप धरती पर एक कंप्लीट लाइफ जीने आए हैं, इसलिए जब कोई इंसान मरता है तो यही कहा जाता है कि उसका समय पूरा हो गया, यानी उसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली। बस आप ये समझ लें,
आप इस शरीर में आप अपनी कंप्लीट लाइफ जी सकते हैं अगर आप अपने माहौल को लगातार पॉजिटिव बनाकर रखते हैं, उसे अच्छे से जीते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, यानी इस बुक समरी के आखिरी चैप्टर की ओर। वीओ 18, इमेजिनेशन पावर का यूज करके कुछ भी हासिल करें। इसी के साथ हम अपनी इस बुक समरी के आखिरी चैप्टर पर आ चुके हैं। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने इस बुक समरी में जो कुछ भी सुना उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और ये बहुत ही आसान मेथड है। आप इसे खेल की तरह एंजॉय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के हर एरिया में बदलाव ला सकते हैं। आप एक ऐसी डिवाइन पावर से संचालित होते हैं जो आपकी हर चीज को आपके पास ला सकती है। आप अपनी मनमाफिक जिंदगी जी सकते हैं। आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होकर इस प्लेनेट पर अपने आने का मकसद जान सकते हैं, उस मकसद को पूरा कर सकते हैं। उसे पूरा करने में जो भी समस्या आएगी उससे आप आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोर्स ऊर्जा से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की डिवाइन पावर को फील करना होगा। अगर आपको मौजूदा समय में बुरा फील हो रहा है तो आप में वो पावर है जो आपको अच्छा महसूस करा सकती है। कभी कभी कुछ चीजें आपको डराती हैं। एक्चुअली डर आपको सचेत करता है कि आप डर की पावर को समझें। डर से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आप कभी डरते नहीं, बल्कि उस डर से सबक सीखते हैं। आप डरते या बुरा तब फील करते हैं जब आपका इमोशनल स्केल डाउन होता है। आप अपने इमोशनल स्केल को ऊपर उठाकर अपनी जिंदगी से हर वो बुरी चीज निकाल सकते हैं जो आपको बुरा और इनसिक्योर फील कराती है। जब आप अपने इमोशनल स्केल को ऊपर उठा लेते हैं तो हमेशा आपको अच्छा फील होगा। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको जिंदगी में शांति और सुकून का एहसास होगा। अगर आपको कुछ और समझ में ना आए तो आप खुद पर विश्वास के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नामक मैनेजर के हवाले कर दें। वो आपकी जिंदगी को अच्छे से मैनेज करेगा। आपको अपनी चीजों को मांगकर छोड़ देना है, फिर उस चीज को अपनी ओर आने देना है। आपकी सोर्स एनर्जी के पास डार्कनेस, बीमारी, कंफ्यूजन, डर जैसी बुराई नहीं होती। उसका बस एक मकसद होता है, आपकी भलाई करना, आपको अच्छा फील कराना। वो आप में हमेशा उस एनर्जी स्ट्रीम का फ्लो बनाकर रखेगी जो आपको कंटिन्यूसली अच्छा और खुश महसूस कराएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि पर्पसफुल क्रिएशन असल में पर्पसफुल इमोशनल स्टेट को हासिल करना होता है। जैसे आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे पाने की इच्छा रखते हैं, इसमें आप कम पैसे से ज्यादा पैसे को हासिल करने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग से सिक्योरिटी की फीलिंग के बीच का सफर है। इसलिए आप उन विचारों की प्रैक्टिस करें जो आपको हमेशा सिक्योर फील करा सकें। फिर सिर्फ आप पैसे को ही नहीं, उन सभी चीजों को हासिल करेंगे जिनकी जरूरत आपको है। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आप हेल्थी होना चाहते हैं। एक्चुअली ये बीमार से हेल्थी होने के बीच का सफर नहीं है, बल्कि आप डर से कॉन्फिडेंस के बीच के सफर को तय करना चाहते हैं। जब आप उन विचारों की प्रैक्टिस करने लगेंगे जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, तो फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, एक्चुअली आप अपनी अकेलेपन की फीलिंग को निकालकर एक्साइटमेंट या सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को फील करना चाहते हैं, इसलिए लाइफ पार्टनर खोजने के पहले आप अपने अंदर इन दोनों फीलिंग्स को एक जगह दें। आपको एक दिन आइडियल पार्टनर जरूर मिलेगा। इसलिए ऑथर्स ने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस बारे में ध्यान देना है कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशनल ट्रेंड पॉइंट जान जाएंगे तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, नहीं तो आप यूनिवर्स से मांगेंगे कुछ और एक्सेप्ट कुछ और करेंगे। आप कहेंगे कि मुझे हेल्थी लाइफ चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को सुनाई देगा कि मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं हूं, मैं अपनी बॉडी को लेकर टेंशन में हूं कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे ये डर है कि कहीं मेरे साथ भी वो ना हो जाए जो मेरे दोस्त के साथ हो गया था। इसलिए आपको फीलिंग्स को महसूस करना जरूरी है। उससे भी जरूरी है उन फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट के तरीके को खोजना। जब आपको लगे कि आप नेगेटिव फीलिंग्स को फील कर रहे हैं तो उन फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश करें। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उनके बारे में कॉन्शियसली विचार करें। ये तब तक करते रहें जब तक आप अपने अंदर उन फीलिंग्स के आने का कारण ना जान लें। फिर आपको उन थॉट्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपके अंदर से उन फीलिंग्स को रिमूव करने में हेल्प करें। जब आप पॉजिटिव और अच्छा फील करेंगे तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करेगा। फिर आप अपने लिए हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। इसलिए पॉजिटिव बने रहें। मुसीबत पड़ने पर एक छोटा सा वाक्य ऑल इज वेल, यानी सब बढ़िया है, को अपनी जिंदगी का सूत्र बना लें। ये सभी अच्छी चीजों का बेस है। आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे।
आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जिससे आप अपनी भलाई के नेचुरल रिसोर्स के वाइब्रेशन छोड़ सकेंगे। जब आप हर चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप अपने अंदर से विरोध को हटा देते हैं, फिर आप हमेशा अच्छा फील करते हैं। तो आइए इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और बुक समरी के साथ। तब तक अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। स्टे हेल्थी, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।